रिलैक्स कर। तो दोस्तों आज का वीडियो तो देख लिया, वीडियो कैसा होने वाला था। दोस्तों आज मैं कोठाल ऑफिस सॉन्ग में बहुत ही सिंपल स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ लाइट पेड के साथ। तो दोस्तों आप भी खुद का फोटो लगा कि इस स्टेटस को बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए, एकदम आसान है इस स्टेटस को बनाना, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह मैं डेली आप लोगों के लिए नए नए वीडियो में लाता रहता हूँ। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है, खराब लगता है, कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो पीएनजी फोटो जो कुछ मैं यूज करने वाला हूँ सभी टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। और जो मैं फोन इफेक्ट जो कुछ मैं यूज करने वाला हूँ वो सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा, तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए तो मैं लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया, तो आप भी लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और लाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद प्रोजेक्ट ऑप्शन में आना होगा, और प्रोजेक्ट ऑप्शन में आने के बाद देखो ये जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करना नहीं आता है ये दो प्रोजेक्ट को, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सॉन्ग बीट मार्क को कैसे डाउनलोड करना है उस वीडियो को देख लेना तो समझ में आ जाएगा ये दो प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को आपको ओपन करना है। तो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट में आने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। ये जो फर्स्ट में लिरिक्स है वो मैं पहले से ऐड करके रखा हूँ, आपको बस ये जो फॉन्ट है वो ऐड करना है। तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉन्ट लिंक देखने को मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लीजिए और एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लीजिए। तो ये जो लेयर है ये लेयर में अपने आप फॉन्ट ऐड हो जाएगा, देख सकते हो। तो ये लेयर में मतलब ये लेयर को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है लिरिक्स लेयर को, और आगे भी आ जाना तो आगे भी बहुत सारा आपको लेयर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। यहाँ पर जितने सारे लेयर है ये लेयर को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो ये जो इफेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। तो और एक बात देखो, फर्स्ट में आ जाना, फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों ये जो वीडियो क्लिप है ये मैं यूज कर चुका हूँ। अगर इसमें अगर वीडियो बनाना चाहते हो आप तो कोई बात नहीं, इसमें भी आप वीडियो बना सकते हो। देखो ये जो लिरिक्स है सेम लिरिक्स है, इसमें इसको मैं पहले से एक्सपोर्ट करके अलग तरीके का मैं इफेक्ट देकर रखा हूँ, देख सकते हो। इसमें अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसमें भी आप वीडियो बना सकते हो। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप अगर ये लिरिक्स वीडियो बनाना चाहते हो तो इसमें भी आप बना सकते हो। तो मैं इसमें आपको वीडियो बना के दिखा देता हूँ। देखो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आगे आना है, और आगे आने के बाद देखो ये जो बीट है ये बीट में आना है। ये बीट में आने के बाद जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना है। फोटो को ऐड करने के लिए देखो प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए एक फोटो में ऐड कर लिया हूँ। तो फोटो को ऐड करने के बाद ऊपर में जो थ्री डॉट है वहाँ पर टच करना, और इधर से फिल कंपोजिशन एरो को टच कर देना, तो फोटो का जो साइज है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो एक बार बैक हो जाना, सॉरी बैक नहीं, एकदम लास्ट में आ जाना, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, तो फोटो का जो साइज है एकदम लास्ट तक आ जाएगा, देख सकते हो। तो ऐसा करके इसको साइड में दबा कर रखना होगा और एकदम नीचे आना होगा। नीचे मतलब जो लिरिक्स है देखो आगे आ जाना, और आगे आने के बाद ऐसे साइड में दबा कर रखना और ऐसे करके नीचे आ जाना। और देखो यहाँ पर जो लिरिक्स यहाँ ख़त्म होता है उधर आ जाना, और ये फोटो लेयर को रख देना। तो कुछ इस तरह आपको देख सकते हो, फोटो में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, फिर से आगे आना है, और ये जो बीट है ये बीट में आना है। ये बीट में आने के बाद नीचे एक ब्लैक शैडो ऐड करना है, तो नीचे ब्लैक शैडो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, ये वाला रेक्टेंगल को ऐड कर लेना, ऊपर में जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करके फिल कंपोजिशन एरो को टच कर लेना। तो कलर यानी फिल ऑप्शन में आना है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना है, और ये जो ब्लैक डॉट है इसके इसको नीचे, और वो जो व्हाइट डॉट है उसको रोटेट करके ऊपर की तरफ कर लेना, और ये जो व्हाइट कलर का जो बॉक्स है यहाँ पर टच करना होगा, मिडिल में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना, और ठीक से इसको एडिट कर लेना, और एडिट करने के बाद इसको थोड़ा कम कर लेना, देखो कुछ इस तरह। और एक बार बैक हो जाना एकदम लास्ट में आना होगा, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, और इसको भी ऐसे साइड में दबा कर रखना होगा,
और एकदम नीचे आ जाना। देखो ये जो फोटो है उसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर रख देना, तो देखो यहाँ पर जो इफेक्ट है वो ख़राब नहीं होगा। तो फिर से ये जो बीट है, ये बीट में आना है। ये बीट में आने के बाद एक पिंज फोटो को ऐड करेंगे, तो उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और ये जो पिंज फोटो है इसको ऐड कर लेना। पिंज फोटो को ऐड करने के बाद मूव वाला ऑप्शन में आ जाना और जहाँ आप ये पिंज फोटो को रखना चाहते हो उधर रख लेना। एक बार बैक हो जाना एकदम लास्ट बीट में आना है, जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना और इसको भी ऐसे साइड में दबा कर रखना होगा और एकदम नीचे आ जाना और जो ब्लैक शैडो है उसके ऊपर रख देना। देखो यहाँ पर तो देखो कुछ इस तरह आपको पिंज फोटो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब क्या करना, देखो ये जो लिरिक्स है इसमें आपको इफेक्ट देना है, तो ये लिरिक्स में इफेक्ट देने के लिए एक बार बैक हो जाना, इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना और देखो यहाँ पर जो मेरा नाम का जो लेयर है ये लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, फिर को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना और जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है इसमें फिर से आ जाना। इसमें आने के बाद यहाँ पर जितने सारे लिरिक्स लेयर है सभी लेयर में ये इफेक्ट को पेस्ट करना है, तो देखो ये लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्री डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देखो फोटो में कुछ इस तरह, सॉरी लिरिक्स में कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगला लिरिक्स लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्री डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो ऐसे करके जितने सारे यहाँ पर लिरिक्स लेयर रहेगा सभी लेयर में ये इफेक्ट को दे देना और इफेक्ट देना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो मेन हमारा फोटो है इसमें इफेक्ट देना बाकी है। तो फिर से एक बार बैक हो जाना, इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना, इसमें आने के बाद यहाँ पर जो फोटो लेयर है फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्री डॉट को टच करके कॉपी इफेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर से बैक हो जाना और जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना, इसमें आने के बाद यहाँ पर जो मेन फोटो है ये फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्री डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो फोटो में कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो दोस्तों अब क्या करना है, फिर से आगे आ जाना और एकदम फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों एक पिंज बॉर्डर को ऐड करेंगे और ये जो पिंज बॉर्डर है ये पिंज बॉर्डर को मैं हर वीडियो में यूज करता हूँ, अगर आपके पास है तो डाउनलोड करना नहीं होगा, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। देखो ये जो पिंज बॉर्डर है ये पिंज बॉर्डर को ऐड कर लेना और पिंज बॉर्डर को ऐड करने के बाद बॉर्डर एंड शैडो ऑप्शन में आना, नीचे जो शैडो ऑप्शन है पर टच करके शैडो को ऑन कर लेना और जो साइज आपने हिसाब से रख लेना और नीचे जो एक्स वाई 33 रहेगा उसको 00 कर लेना ऐसे करके। और एक बार बैक हो जाना एकदम लास्ट बिट में आना होगा, ये जो ऑप्शन है पर टच कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह हमारा जो स्टेटस वीडियो बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे करके आप भी स्टेटस को बना लेना और स्टेटस बनाना हो जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए देखो ऊपर में सारे ऑप्शन यहाँ पर टच करना होगा और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।